हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ASN। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया था डेली व्लॉग डाले हुए, हमें भी एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, काफ़ी बिजी चल रहा था शेड्यूल आजकल। तो वैसे अभी गोवा की सीरीज चल रही होंगी, आप देख रहे होंगे गोवा के हमारे जो सीरीज चल रही है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा अभी। तो तीसरा व्लॉग आया हमारा, वो हम संडे डाल रहे हैं, उसमें करीब अभी 16 व्लॉग आने हैं टोटल। तो उसमें अभी केरला भी आएगा, कन्याकुमारी भी आएगा, तो आप वो इन्जॉय करते रहिए। तो बीच बीच में हम ऐसे व्लॉग डालते रहेंगे ताकि आपको पता चलता रहे, अपडेट होता रहे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आजकल। तो आज संडे था, हमने सोचा पिक्चर देखे आते हैं। हाँ, मैं वही पिक्चर की बात कर रहा हूँ जो आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अब जो इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही है KGF चैप्टर 2। पहली जब हमने पहला देखा था चैप्टर 1 तो काफ़ी अच्छी लगी थी, लास्ट में मतलब एक जैसे होता है गूज़बम्प टाइप के सस्पेंस, वो छूट गया था। हम सोचा कब आएगी, कब वेट कर रहे थे कब से, फिर लॉकडाउन लग गया तो उन्होंने लेट रिलीज़ करी इस पिक्चर को। रूमर्स तो बहुत पहले से आ रहे थे, बन गई है सब कुछ, ट्रेलर आ गया है और अभी रिलीज़ हुई है, एक ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं, अभी भी सीट्स फुल चल रही है, अपने बुक माई शो में देखा था तो बड़ी मुश्किल से हमने 2 सीट ली हैं, क्योंकि अभी लगभग सारी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो गई है। तो अब यहाँ से निकल गए हैं हम अपने घर से, तो अब जाएंगे सीधा पिक्चर वगैरह देखेंगे। उसके बाद का प्लान है हमारा, थोड़ा मसूरी रोड जाएंगे, थोड़ा चिल वगैरह करेंगे, मैगी वगैरह खाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम अपने मदर इन लॉ के घर, क्योंकि ऑलमोस्ट एक महीना ही हो गया है, होने वाला है, बस ज़्यादा टाइम ही रह गया है। केरला से आए हुए हमें, कन्याकुमारी से तो गए नहीं हम अपने मदर लॉ के, तो वहाँ जाएंगे थोड़ा, वहाँ भी उनसे मिल उल के वहाँ से वापस आएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कितने लोग आ रखे हैं, सब दिखाते हैं अभी भी कितना क्रेज़ है लोगों में पिक्चर का, क्योंकि ऑलमोस्ट एक वीक से ऊपर ही हो गया निकले हुए, तो अभी भी फुल चल रही सीट्स। होते हैं बहुत से लोग जैसे हम, जैसे जो बहुत सोचते हैं कि टाइम निकलता नहीं है, लास्ट में जाते हैं देखने, ख़त्म होने वाली होती है पिक्चर, उतरने वाली होती है, पर देखते हैं अभी भी फुल चल रही है तो लगी रहेगी काफ़ी टाइम तक। अभी हमारी एक पिक्चर और बची RRR, वो भी देखेंगे 2-3 दिन बाद, वो भी शो देख लेंगे उसका भी, वो भी उतरने वाली, उसको तो काफ़ी टाइम हो गया लगे हुए, वो भी पिक्चर बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं उस पिक्चर के। चलिए फिर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं, सिल्वर सिटी नाम है इसका, तो यहाँ पे हमने टिकट्स लिए अभी, तो अभी यहाँ से चल रहे हैं ऊपर एंट्रेंस में, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, हम मूवी देख के आ गए हैं बाहर, और अभी जस्ट हम आके गाड़ी में बैठे हैं, काफ़ी भीड़ थी, बहुत से लोग आए थे। मूवी बहुत अच्छी है गाइस, मैं रियली सजेस्ट करूँगा आप जाके देखिए वीडियो मूवी, बार बार वीडियो निकल जाता है मुँह से, मूवी बहुत अच्छी है, मूवी देखिए आप जाके। और जिसने ऐसा कुछ नहीं, जिसने पहला नहीं देखा आप दूसरा भी देखेंगे, आपको समझ आएगी पूरी पिक्चर। हमारे साथ बच्चे गए थे, इन्होंने जबकि ये बैठते नहीं कोई मूवी में, टिक के इधर उधर करते रहते, बोलते थे चलो चलो, पर इन्होंने एकदम पूरी मूवी आराम से बैठ के देखी है। और खासकर ये निमृत की तो मतलब की मूवी थी, जो काफ़ी सारी बंदूकें वगैरह दिखाई और कार्स वगैरह दिखी है, तो इसको देखने बहुत मज़ा आ रहा था। तुम्हें कैसा लगा स्नेहा? बहुत मज़ा आया मुझे, चैप्टर 1 मैंने नहीं देखा है, सेकंड बहुत अच्छे से समझ में आया और मज़ा भी बहुत आया। बच्चों, तुम्हें कैसे लगी? अच्छी लगी, मजा आया ना? बहुत बहुत मजा आया, धड़ 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 धड़। गाइस, पूरी पैसा वसूल मूवी है, ऊपर से आप अगर पॉपकॉर्न वगैरह भी खाओगे भी वसूल हो जाएंगे, इतना मजा आएगा आपको, क्योंकि पिक्चर में हर थोड़ी थोड़ी देर में गूज़बम्प्स होते हैं वो आ रहे थे। काफी अच्छे अच्छे डायलॉग्स है इसमें, एक्शन है, तो जो रॉकिंग स्टार है अपने यश, वो तो है ही कमाल के एक्टर, पहले ही उन्होंने इतनी अच्छी सुपर हिट दी थी, और चैप्टर 2 भी तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छा। जैसे बाहुबली बनाई है पिक्चर, बाहुबली जिस हिसाब से बनाई थी, कितना क्रेज़ था उस टाइम पे बाहुबली का, वो वैसे ही क्रेज़ आ गया, क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद कोई ऐसी फाइनली अच्छी मूवी देखने को मिली जिसमें मज़ा आ गया, मतलब अच्छा लग रहा है बहुत देख के। तो गाइस प्लीज़ जाइए और ये मूवी देखिए थिएटर में, और प्यार दीजिए इस मूवी को, और बहुत अच्छी मूवी। बाकी यहाँ से हम अब निकल रहे हैं मसूरी रोड, मैंने बताया था आपको, तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत बैठेंगे, फिर वहाँ से अपने मदर लॉ के घर चलेंगे। अरे थोड़ा और मस्ती कर रहे हैं बच्चे, चलिए फिर।
फ्रेंड्स हम पहुंच गए मैगी पॉइंट। ये हमारा फेवरेट मैगी पॉइंट है, हमने हमारे काफ़ी ब्लॉग्स में देखा होगा, इसलिए नीचे बैठते हैं। आज हम यहीं बैठ रहे हैं ऊपर, नीचे धूप बहुत ज़्यादा है तो पीछे का व्यू बहुत अच्छा है। तो व्यू के लिए आते हैं हम, देखिए पीछे कितना अच्छा माउंटेन्स वगैरह है, देख लूँगा अब तो। व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ पर और बैठ के सुकून मिलता है हमें थोड़ी देर। तो अभी हमने मंगाया है, दो मैक्रोनी मंगाई है और एक मंगाया है हमने प्लेन मैगी, जो निमृत और बच्चे खाएंगे। बाकी उन्होंने निमृत ने ले ली अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, जो उसको सबसे पहले चाहिए होती है, बिना कोल्ड ड्रिंक किसी को गुजारा नहीं होता। हमारी मैगी आ गई है, ये हमारी मैगी है, हमने जो प्लेन मैगी बोली थी बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या ये निमृत ही खाएगा, इधर से उधर उतकते फिर रहे। चलो इसको खिला दो फिर, घर जैसे ही बना रखी है। से आ गई है मैक्रोनी गर्मा गर्म, से टेस्ट करके देख रहे हैं, बढ़िया है। मुझे मैगी से ज़्यादा मैक्रोनी ज़्यादा पसंद आती है। मैगी तो हम घर भी खाते रहते हैं पर मैक्रोनी अच्छी है और बनाते भी अच्छी है यहाँ पे। चलिए फिर यहाँ से फिनिश करते हैं, फिनिश करके मिलते हैं आपको सीधा मदर इन लॉ के घर जाके। तो अभी एक सरप्राइज़ भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। कुछ हमने आज परचेज करना है ब्लॉगिंग के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं, क्या सरप्राइज़ है वो वहाँ जाके पता चलेगा आपको। अभी भी पहुँचे हैं अपने मदर इन लॉ के घर, इधर आके बैठे हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए सुजर को देखा होगा, ये देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग करता है, एकदम हूबहू ऐसी शक्ल बनाता है। दिखाना सुजर और पेंटिंग, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाता है ये देखिए। अगर आप अपना चेहरा भी दोगे आपका चेहरा भी बना देगा, जिसको भी कांटेक्ट करना हो इस मैसेज का कमेंट कर देना। देखिए इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाता है और साथ में जो ये टैटू वगैरह बनाते हैं उसका कोर्स भी कर रहा है, टैटू का काम भी सीख रहा है। तो 4-5 महीने बाद उसका कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद इसको भी टैटू वगैरह बनवाना है। तो जो इस चैनल के थ्रू आएगा उसको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा बनाने के, जहाँ भी मार्केट में जो रेट होगा उससे कम ही मिलेगा आपको। देखिए मेरे मदर इन लॉ को देखा होगा अपने ब्लॉग में, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, केरला से आते ही इनकी तबीयत ख़राब हो गई, बीपी बढ़ गया बहुत ज़्यादा और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर यहाँ से अब थोड़ी देर में निकलेंगे, बाकी जो सरप्राइज़ है अभी थोड़ी देर में आपको रिवील करूँगा मैं कि हम क्या लेने आए हैं यहाँ पर। वो ब्लॉगिंग का मेन हिस्सा है, उसके बिना तो ब्लॉगिंग वीडियो वगैरह हम बना नहीं सकते। सरप्राइज़ ये है कि हमने परचेज़ किया है ये लैपटॉप डेल का, देख रहे हैं डेल का लैपटॉप है। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे पे जो पुराना लैपटॉप था वो करीब 8-10 साल पुराना है, तो उसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, हैंग होता था सॉफ्टवेयर। वैसे ठीक है लैपटॉप वो भी चलने में, पर सॉफ्टवेयर सबने पर क्या करें, वीडियो बनानी है आप तक पहुँचानी है तो ये सामान तो लेना ही पड़ेगा धीरे धीरे करके। तो अभी सर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो अब अनबॉक्सिंग देखिए आप। डेल है ये, डेल का वॉस्ट्रो है 14 और 34 कुछ करके इसका मॉडल है। इसके साथ में इसका है चार्जर, इसका केबल है चार्जिंग की और ये है लैपटॉप। ठीक है देखा हुआ वॉस्ट्रो दिखा हुआ है, ये डेल का साइन देख लेते हैं। विंडो अपडेटिंग पे लगा रखी थी, अब अपडेट हो रही थी, ऐसा है देखिए स्क्रीन साइज़। अब के लैपटॉप में स्क्रीन साइज़ वगैरह भी छोटा कर दिया है, जो पुराना लैपटॉप है मेरा वो पूरा स्क्रीन पूरी इसकी फुल है यहाँ तक आती है, टच स्क्रीन भी था वो, और इसमें कीपैड का सिस्टम भी छोटा कर दिया है, सिंगल दे दिया है, उसमें डबल है इधर भी है, बाकी ठीक है कॉम्पैक्ट है। और इसमें मेन वजह इसकी ये थी जो हमने ये लेना था, रेडियन का ग्राफिक्स है, इस वजह से Ryzen 3 का प्रोसेसर है इसमें, तो ये पूरा एडिटिंग वगैरह सपोर्ट करेगा, तो सबसे बेस्ट इस कैटेगरी में ये लैपटॉप था एडिटिंग के लिए। तो अच्छा है ओवरऑल, फिट एंड फिनिश अच्छी है इसकी, अच्छी फिनिश है इसकी, मैट फिनिश है। चलिए फिर कैसा लगा बताना, और इसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको, ये मुझे पड़ा है 40,000 पड़ा है। तो अगर आपका बजट 40,000 तो आप सबसे बेस्ट लैपटॉप ये है, मैंने काफ़ी रिसर्च करके लिया है,
रखा, काफ़ी टाइम लगाया मैंने, काफ़ी जगह देखा, उसके बाद दिया। अगर आपको ये मेरा एक्सपीरियंस में, अगर राइटिंग वगैरह आप यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, फेसबुक किसी के लिए भी, या फिर आप पहले गेमिंग वगैरह भी खेलते हैं, गेमिंग के लिए भी ठीक है, तो ये बेस्ट मैं इसको रिकमेंड करूँगा लैपटॉप को। बाकी इसका जो मैं रिव्यू दूंगा, जो यूज़ करने के एक हफ्ते बाद दूंगा कि कैसा है, इस परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है इसकी। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से उतना ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती रहती है आप ही के थ्रू कि कितनी अच्छी वीडियो लग रही है, तो हम आगे उतनी और मेहनत करेंगे, और जितना ज़्यादा से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।